ये खरगोन जिले में जो इलीगल आर्म्स का जो मैन्युफैक्चर होता है, इसकी ट्रैफिकिंग और ट्रेडिंग को लेके डीजीपी साहब ने इस पर निर्देश दिए थे। उन्हीं निर्देशों के पालन में आईजीपी ग्रामीण इंदौर जोन श्री राकेश गुप्ता जी ने एक विशेष ऑपरेशन लॉन्च कराया था, जिसकी लगातार समीक्षा की जा रही थी। इस ऑपरेशन में एक बड़ी कामयाबी खरगोन पुलिस को मिली है। ये इनपुट था कि जो इलीगल वेपन्स मैन्युफैक्चर हुए हैं, उनका एक बड़ा कंसाइनमेंट थाना विस्तान क्षेत्र में और थाना गोगावा क्षेत्र में डिलीवरी के लिए जाने वाला है। क्योंकि जंगल का एरिया है, काफ़ी बड़ा एरिया था, काफ़ी बड़ी टीमें इसमें डिप्लॉय की गई। दो टीमें इसमें लगाई गई थी, एक टीम का नेतृत्व श्री दीक्षित एसडीपी बढ़वा कर रहे थे और दूसरी टीम का नेतृत्व एसडीओपी वीकनगांव के द्वारा किया जा रहा था। इन टीमों को जो इनपुट थे उसके आधार पे टोटल 9 आरोपी इसमें अरेस्ट हुए हैं। 9 आरोपियों के पजेशन से और सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन में उनके मेमोरेंडम के आधार पे टोटल 70 इलीगल फायरआर्म सीज हुए हैं। इसमें से 58 पिस्टल से और 12 इसमें कट्टे जब्त हुए हैं। इस प्रकार ये इलीगल फायरआर्म्स की जो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग है उसके अगेंस्ट में एक बड़ा ऑपरेशन कार्रवाई हुई है। सभी 9 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। इनके फर्दर जो लिंकेजेस हैं, कहाँ इनको ये ट्रैफिकिंग करके बेचते थे और कौन कौन इसमें फर्दर और कनेक्टेड है, इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ये सारे वेपन्स कंट्री मेड है, ये लोकल के जो इक्विपमेंट है उनका उपयोग करके बनाते हैं। इनसे पूछताछ की गई तो पूछताछ के आधार पर रेड करके 2 फैक्ट्री भी सामने आई है। इनके बनाने के औजार जो है, उपकरण, वो भी बड़ी संख्या में जब्त किए हैं। इस प्रकार ये ऑपरेशन प्रहार बहुत ही सक्सेसफुल रहा है और इलीगल वेपन्स के अगेंस्ट में बड़ी कार्रवाई हुई। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।